झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के कई इलाकों में 14 और 15 नवंबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि 12 और 13 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा। कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 14 और 15 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला जिले में तो वहीं राज्य के मध्य भाग में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, यानी इन इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश होने की वजह से झारखंड में ठंड भी ज्यादा लगेगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण और औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और ये धीरे धीरे तेज होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। 16 नवंबर से ठंड बढ़ेगी, यानी रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर से राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि राज्य में ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान अभी लोगों को कोहरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।